ऑल द बेस्ट आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। माय बेस्ट विशेस आप विद यू। ये जो आपने साल भर मेहनत करी है, उस पूरी मेहनत का परिणाम आपको एक कुछ दिनों में मिलने वाला है। जब आप एग्जाम देने जाएंगे, तब यहां पे सिर्फ एक बात का और महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना है आपको। मैं आप सभी से वही बात कहना चाहूंगा कि आपने जितना हार्ड वर्क दिया है, आपने जितनी प्रैक्टिस करी है, अब वो प्रैक्टिस को परफॉर्म करने का समय है। यहां पर अपने आप में उतना साहस रखना, उतना आत्मविश्वास रखना कि आप कर सकते हैं, और मुझे आप पर विश्वास है कि आप करेंगे, बेहतरीन तरह से करेंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी घोषित यह परिणाम है। जब आपने कंटिन्यूअसली काम किया है, जब आपने कंटिन्यूअसली मेहनत करी है, तो यह तय है कि आपकी विजय सुनिश्चित होगी। मेरी ढेरों शुभकामनाएं, विश यू ऑल हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सक्सेस विच यू आर गोइंग टू अचीव, एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट सक्सेस। डर लग रहा है तुम लोगों को? बहुत ही नेचुरल है यार, अगर लग भी रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मुझे याद है बोर्ड एग्जाम से पहले मैं तो बहुत ही ज्यादा घबरा रही थी, पर दिस इज ऑल्सो द टाइम वेन यू नीड टू रिमाइंड योर सेल्फ कि हम लोगों ने पूरे साल मेहनत करी है एंड इस मेहनत का रिजल्ट हमें फाइनली मिलने वाला है। आई नो यू ऑल, मुझे पता है बहुत प्यारे बच्चे हैं मेरे, बहुत डेडिकेटेड बच्चे हैं मेरे, एंड आई बिलीव इन यू कि तुम लोग बोर्ड एग्जाम में मजा कराओगे। ओके, ऑल द बेस्ट। बोर्ड एग्जाम का जो पीरियड होता है वो हर स्टूडेंट की लाइफ में बहुत बड़ा पीरियड होता है, क्योंकि ये और स्पेशली टेंथ के बोर्ड्स, जब बच्चा पहली बार एग्जाम देने के लिए बैठता है तो उसके मन का डर, और उसके बाद जब वो ट्वेल्थ में जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो डर कम हो जाता है, वो डर और बढ़ जाता है, क्योंकि उम्र बढ़ जाती है, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। बट इस चीज़ में आपको एक चीज़ में ध्यान रखना है कि काबिलियत आपके अंदर ही है, हुनर आपका ही है, और वो हुनर को बस आपको पेपर पे निखारना है, और दूसरी तरफ आपके लिए सक्सेस इंतजार कर रही है। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, गिव इट योर 100% और करके दिखाना, और अब की बार जीत के पेपर को कंप्लीट करना है और पूरे नंबर लेके आना है। मन में है विश्वास, मैं है आपके साथ। हाय एवरीवन, यू ऑल हैव पुट इन सो मच hard work, the greater the effort, the greater the glory. So there's nothing to fear, just go and crack your exams. All the very best guys. Exams start होने वाले हैं, right? तो all the best, सबसे पहले तो कुछ tips देने वाली हूँ, उनको ध्यान रखना। सबसे पहली बात तो जितने भी questions तुम्हारे paper के अंदर है उनकी statement को properly read कर लेना, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कोई question ही miss कर दिया या हमने कुछ गलत read कर लिया है। silly mistake avoid करना है, और अगर reactions में कुछ problem आए, कुछ reaction याद नहीं आ रही है, तो you all know तुम्हें क्या करना है। All the best। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता सारे शहर में शोर मचा दे। मुझे पता है कि तुम्हारा जब रिजल्ट आएगा तो पूरे शहर में शोर मचेगा, तुम्हारी सफलता सारे शहर में शोर मचाएगी, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत एफर्ट्स करे हैं यार, तुम लोगों ने बहुत मेहनत करी है। आई विश यू ऑल द बेस्ट गाइज, जय हिंद। यार ये टॉपर्स 100 में से 100 कैसे ले आते? साइंस में भी आपके आ सकते हैं 100 मार्क्स, बस ये 3 टिप्स को याद रखना। बायोलॉजी को करने के लिए एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस याद करो, डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर लेना, केमिस्ट्री में इक्वेशंस मिस नहीं करनी है, फिजिक्स को करने के लिए न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस और डायग्राम्स एंड फॉर्मुलास की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। सो दैट्स इट बच्चों, ये 3 टिप्स को फॉलो करके आपके 100 मार्क्स आ सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल। स्ट्रेस मत लेना, बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम को करके आना, एंड ध्यान रखना अगर मेहनत करी है तो वो जरूर रंग लाएगी।